Hi guys, what's up and welcome back to my channel. I hope you all are fine and doing good. पहले टी शर्ट चेंज कर लेता हूँ, काफी लेट भी हो गए हैं और कार में चल के फिर आपको बताता हूँ कि कहाँ जा रहे हैं। बहुत गर्म हो रही है, तो बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है, बहुत गर्मी लग रही है। तो गाइस अभी जा रहा हूँ मैं फ़िलहाल बैंक, कुछ काम से जा रहा था, मतलब ऑब्वियसली पैसे निकालने जा रहा था, तो चलते हैं बैंक, फिर मिलता हूँ आपसे। बैंक का काम हो गया है डन, चलते हैं घर। तो चलो गर्मी 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 में शाम के 5 और करते हैं बढ़िया सा वर्कआउट, तो मिलता हूँ आपसे वर्कआउट के बाद। तो गाइज़ मेरा वर्कआउट का सीन पता क्या है कि ना, जब भी मैं जिम छोड़ूँ, मतलब वैसे तो मैं छोड़ता नहीं, बट अगर जैसे लॉकडाउन पिछले साल ही पड़ता, इस साल ही पड़ गया, तो अगर जैसे मेरा जिम छूट जाता है ना, तो मेरा ट्रैप, शोल्डर, बाइसेप, बैक, जितने भी मसल है ना, बाकी सब मेंटेन रहती है होम वर्कआउट से, बट जो मेरे लेग मेरा एब्डोमिन एरिया है ना, वो ना मतलब इतना वीक है। आई थिंक मेरा सबसे वीकेस्ट पार्ट मेरा एब्डोमिन एरिया ही है, क्यों, और मैंने आज तक कभी अपने एब्स ट्रेन नहीं करे, आज तक अपनी ज़िंदगी में 1.5 साल में आज तक अपने एब्स ट्रेन ही नहीं करे मैंने, मतलब बाकी तो सारी मसल ट्रेन होती हैं, बट एब्स को मैंने आज तक कभी ट्रेन नहीं करा। तो आई थिंक उसकी वजह से मेरे जो वर्कआउट, मतलब जिम छोड़ने की वजह से ही मेरा ये फैट चढ़ जाता है मेरे एब्डोमिन एरिया पे, उसी की वजह से हो सकता है, बाकी तो क्योंकि मैं कभी कभी नहीं करा मैंने अपना ये एब्डोमिन एरिया ट्रेन, तो आई थिंक उसी की वजह से हो सकता है। तो गाइस जस्ट गॉट अ न्यू स्किपिंग रोप, और इसमें ये ऐसी कुछ दिखती है ये, और इसमें दिखा रहा है कि ये काउंट भी करता है, अगर आपको दिख रहा होगा ये हो गया 0, ये काउंट भी करता है। और पुरानी वाली टूट गई थी, मतलब कि हाँ टूट ही गई थी, मतलब यार टूट ही गई थी वो, तो इसलिए नहीं लाया, मतलब पुरानी वाली कुछ ऐसी हो गई थी, बेचारी को इतना कष्ट दिया हमने कि ये टूट गई, मतलब यहाँ से टूट भी गई थी, पर मैंने जोड़ने की कोशिश करी इसको, मतलब आग लगा के, तो चिपक भी गया था, बट कुछ दिन तक चिपका, फिर वो वापस टूट गई। बट ये वाली जो रोप लाया हूँ ना मैं, ये भी काफ़ी कमज़ोर सी लग रही है, मेरे को लगता नहीं कि ये चलेगी 10-15 दिन से ज़्यादा, बट कोई कोई चीज़ें होती हैं ना जैसे कि चल जाती हैं काफ़ी, जैसे मेरा नोवा का ट्रिमर है, जैसे आपने देखा होगा 2-3 ब्लॉग पहले जो बियर्ड शेव वाला था, तो वो जो ट्रिमर है ना, वो अराउंड 3 से 3.5 साल हो गए उसको, अभी तक चल ही रहा है वो, मतलब 250-300 रुपये का ट्रिमर था वो, काफ़ी काफ़ी मतलब 1700-1700 के, मतलब जो ट्रिमर होते हैं वो तो बहुत जल्दी भी ख़राब हो जाते हैं, और जो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, वो काफ़ी जल्दी चल भी जाती है, जिनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती। तो आई होप कि ये चल जाए, तो अब देखते हैं कब तक चलेगा। वैसे जहाँ तक मेरे को अंदर से फीलिंग आ रही है ना, 10-15 दिन में ही टूट जाएगा ये। तो गाइस जैसा मैंने बोला था पिछली वाली स्किपिंग रोप के बारे में कि ये 10-15 दिन चलेगी, चल जाएगी, तो इतना भी नहीं हुआ, ये एक ही दिन में टूट गई, मतलब अभी सुबह हो रही है, तो ये वर्कआउट कर रहा था मैं, मतलब हल्का सा थोड़ा बहुत ट्रेनिंग करता हूँ मैं, सुबह भी ट्रेनिंग करता हूँ, तो टूट गई, और फिर मैं चेंज करा के लाया उसे, अब ये वाली लाया हूँ, ये थोड़ी ज़्यादा बेटर है, इसकी रस्सी मतलब इसकी जो रोप है ये काफ़ी मोटी है, तो आई थिंक ये अच्छी चलेगी, क्योंकि वो पिछली वाली थी जो वो अराउंड 70-80 रुपये की थी, ये थोड़ी महंगी है, ये 220 रुपये की है, तो आई थिंक चल जाए, मतलब ये तो चल जाएगी, इस पर थोड़ा मैं बेट लगा सकता हूँ कि ये कम से कम चलेगी, कम से कम 4 से 5 महीने तो आराम से खींच लेगी, तो पिछली वाली का तो मेरे को विश्वास था कि वो 10-15 दिन तो चलेगी, पर वो तो एक ही दिन में टूट गई। चलो कोई बात नहीं, तो गाइस व्लॉग को भी करता हूँ मैं यहीं पे एंड। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, पीस।